Hello friends, this is Trupti and I welcome all of you on my beautiful channel NPC, where you can learn all the concepts related to physics. So in our previous video, we have discussed about the introduction and Aristotle fallacy. Okay, I hope you have liked that video. And today's lecture is all about the law of inertia and Newton's first law of motion. Okay, so are you ready for this amazing session? Yes, all right, let's get started our class. But before I start the class, I want to share one more important thing. वो ये है कि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एंड लास्ट के सभी चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक पर एक चैनल है, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं. टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप वहाँ जाकर आपके नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. और ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हैं आपके लिए, और आप खुद भी आई सजेस्ट कि आप हैंड रिटन नोट्स ही बनाइए. ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द लॉज ऑफ इनर्शिया. ओके, हम फर्स्ट में लॉज ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे. ओके, सो लॉज ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? तो इनिशियली क्या हुआ कि एरिस्टोटल की फैलेसी को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया, और गैलीलियो ने अपना खुद का एक स्टेटमेंट दिया, खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है. ओके, एंड आगे लॉ ऑफ इनर्शिया को यूज़ करके, ठीक है, इसके स्टेटमेंट को, इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके न्यूटन ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया. ठीक है, तो हम पहले गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे एंड देन आफ्टर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे. सो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन पर रहेगी. ठीक है, अंटिल वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, सिंपल से टू एग्जांपल्स लिए हैं और टू एग्जांपल्स में थ्री केसेस लिए, उसके थ्रू हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, मीन्स बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती. ठीक है, सपोज हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा. ठीक है, टू एग्जांपल्स लिए. फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया. ठीक है, ओनली वन इंक्लाइंड प्लेन लिया. अब बॉल को हमने ऊपर से मूव करवाया नीचे की तरफ. ठीक है, तो बॉल इजीली मूव कर गया नीचे की तरफ, मीन्स एक्सेलरेटेड हो गया. ठीक है, अब सेकंड केस में हमने देखा कि बॉल को हम नीचे से ऊपर मूव करवाएं. ठीक है, नीचे से ऊपर मूव करवाएं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉल का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा. ठीक है, और एक टाइम पर वो रेस्ट में भी आ जाएगा. बट जो डिक्रीज मोशन डिक्रीज हुआ है उसका कारण क्या है? रिटार्डेशन. ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलेंगे. ठीक है, बट बॉडी धीरे धीरे अपनी स्पीड को, वेलोसिटी को कम कर रही है तो एक्सेलरेशन का ऑपोजिट रिटार्डेशन होता है. ओके, नाउ थर्ड केस में हमने देखा कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज कर दिया. ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया और उसमें हमने बॉल को थ्रो किया, तो बॉल मोशन करती जाती है. कब? एक कंडीशन होगी तब जब हम इस सरफेस को, जो भी आप हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं, वो फ्रिक्शन लेस हो. ठीक है, अगर फ्रिक्शन लेस हो, आइडियल सिचुएशन में ये होगा कि बॉल मोशन ही करती रहेगी. ठीक है, ठीक है, वो कभी रेस्ट में नहीं आएगी. कब? आइडियल सिचुएशन में. ठीक है, अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है, मीन्स फ्रिक्शन वहाँ पर अवेलेबल है, देन क्या होगा? फ्रिक्शन के कारण बॉडी का जो मोशन है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा एंड एक टाइम पर वो रेस्ट में आ जाएगा. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखिए. सेकंड एग्जांपल में हमने टू इंक्लाइन प्लेन लिए. ठीक है, ये टू इंक्लाइन प्लेन है. अब बॉल को हमने थ्रो किया, ठीक है, फर्स्ट इंक्लाइन प्लेन के अपर साइड से. ठीक है, बॉल यहाँ से मूव करते हुए सेकंड इंक्लाइन प्लेन के अपर पार्ट पर गए. ठीक है, इट मीन्स बॉल ने दोनों इंक्लाइन प्लेन पर सेम डिस्टेंस कवर किया, सेम हाइट कवर किया. ठीक है, ये फर्स्ट केस में हमने देखा. सेकंड केस में क्या देखा कि हमने सेकंड वाले इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया. ठीक है, देन तब भी बॉल ने जो मूवमेंट है या हाइट है वो तो पूरा किया, बट डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कवर किया. ठीक है, बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कवर किया. और थर्ड केस में हम देखते हैं कि सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज कर दिया. ठीक है, देन बॉल ने मूव किया एंड मूव करते करते वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चली गई. ठीक है, मीन्स कब? जब हम फ्रिक्शन लेस की बात करें. ठीक है, आइडियल सिचुएशन में ये होगा कि बॉल मोशन करती रहेगी. ठीक है, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी. इन दोनों केस में हमने ये देखा कि अगर बॉल का मोशन स्टार्ट है, ठीक है, तो वो मोशन में ही रह रही है. अगर बॉल स्टेटिक स्टेट में है, मीन्स रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी. बॉल की या बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती. ठीक है, मीन्स यहाँ पर बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है हमेशा. ठीक है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती है. ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया. ठीक है, आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा, इनर्शिया. ओके,
एंड इनर्शिया का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय देयर ऑन. ओके, इट इज कॉल्ड इनर्शिया. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है. ठीक है, इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग है कि बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती. अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है. ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती. अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया. ठीक है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिपेंड ऑन द लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है हमने फर्स्ट लॉ में, इसीलिए. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो. ठीक है, मीन्स अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है. ठीक है, या तो रेस्ट में है या मोशन में है, दो ही सिचुएशन हो सकती है आपके पास. तो अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, मीन्स हमने ये एक टेबल लिया, टेबल पर एक बुक रखा एंड बुक रेस्ट में है. ठीक है, तो रेस्ट में है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी फोर्स इस पर बुक पर नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स इस पर बुक पर नहीं लग रहा है. ठीक है, बुक पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसीलिए हम नेट एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर रहे हैं. ठीक है, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स. और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो होगा. एक्सेलरेशन जीरो है इट मीन्स बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी. ठीक है, तो हमने किया एक एग्जांपल लिया यहाँ पर बुक का. ठीक है, बुक टेबल पर रखा हुआ है तो बुक पर डाउनवर्ड साइड कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा डाउनवर्ड एंड जस्ट ऊपर. ठीक है, ये जो टेबल की सरफेस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट करेगी. ठीक है, तो दोनों डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा जीरो. डेट मीन्स या तो बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. तो यहाँ बॉडी रेस्ट में है, इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में है. और सेकेंड एग्जाम्पल में कोई कार है. ठीक है, वो इनिशियली तो रेस्ट पर है, वो धीरे धीरे स्पीड अप हुई और मोशन में आ गई और यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. इसका मतलब ये है कि इस पर भी जो भी फोर्सेस अवेलेबल हैं वो सभी एक दूसरे से कैंसिल आउट है. मीन्स हम बोल सकते हैं कि सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, इसीलिए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. ठीक है, और एक और टर्म आता है अनएक्सेलरेटेड. अनएक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग भी यही होता है, या तो बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन वहां जीरो है. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी जीरो है. तो वेलोसिटी जीरो के केस में रेस्ट में होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है एक मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में होगी. तो टू एग्जांपल्स है हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्लियर किया. ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट. मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स लेते हैं हम बस के. ठीक है, जो कि कॉमनली आपको सभी को पता है. ठीक है, बस में आप बैठे हुए हैं. ठीक है, सपोज आप बस में बैठे हुए हैं, अभी बस रेस्ट में है एंड सडनली बस ने मोशन स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा. तो आपने देखा होगा कि आप पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब बस रेस्ट में है मीन्स आपके जो फुट हैं वो बस की सरफेस पे हैं. ठीक है, देन पूरा जो आपका बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पर है. ठीक है, फुट के ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो रेस्ट में है और फुट भी रेस्ट में है. जब बस रेस्ट में, देन बस ने मोशन स्टार्ट किया तो बस की सरफेस से टच हुए आपके फुट जो है वो भी मोशन में आ गए, बट आपका जो अपर पार्ट है बॉडी का वो अभी भी रेस्ट में है. इसीलिए आपको बस जब सडनली मोशन में होती है आप पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाते हैं. ठीक है, एंड अगर बस मोशन में है और सडनली रेस्ट में आ जाए, ठीक है, मीन्स आपका बॉडी अभी मोशन कर रहा है. ठीक है, एंड सडनली रेस्ट में आ गए मीन्स आपके जो फुट है बस की सरफेस से अटैच है. ओके, एंड बस की सरफेस एंड फुट रेस्ट में है बट बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में है, इसीलिए आप थोड़ा आगे मूव कर देते हैं. ठीक है, तो टू एग्जाम्पल्स हैं जो कि जनरली न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं. ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है, अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो. ठीक है, अगर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है.
So this is all about the law of inertia and Newton's first law of motion. I hope you have enjoyed this video. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम और भी सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें. ओके, सो दिस इज डन टूडेज क्लास. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ पर डिस्कस करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.